यार गाइस, मैं तो आपको यही ओपिनियन दूंगा कि ये स्कूटर ना एक बार राइड करके देखना, आपको एक अलग ही वाइब प्रोवाइड करेगा, काफ़ी डिफरेंट फील ही अपने को देता है। ऐसा स्कूटर आपको कोई दूसरी कंपनी ऐसा प्रोवाइड नहीं करती है, सिर्फ अपने सुजुकी करती है। यहाँ पे थोड़ी कुदाते हैं, ये देखो। पहले देखते हैं अपन इसके रियर ब्रेक की वाइट। ये स्कूटर में ऐसा क्या है कि अपन दूसरे स्कूटर छोड़ के ये ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या आपको, हाय गाइस, मैं हूं जय चौधरी। आज भाई अपने साथ है ऑल न्यू सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125। आज आपके साथ प्रॉपर राइड एक्सपीरियंस शेयर करने वाले। ये स्कूटर देखो मैं पहले भी अपना 2-3 बार चला चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पर राइड की वीडियोस भी देखने मिल जाएगी। तो मुझे तो स्कूटर के साथ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आज सारी खास बातें आपको बताने वाले। वैसे भी आज देखो 125C में ये स्कूटर अपने लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और यूनिक बन जाता है। तो बोलो आपके लिए बर्गमैन कैसी का चॉइस होने वाली है, सारी बात अपन करेंगे। फटाफट से गाइस अपना कैमरा माउंट करते हैं और ऊपर राइड के लिए निकलते हैं। सो गाइस मोटो लॉगिंग सेटअप में अपन आ गए। अब राइड पर चलने से पहले इसके लुक्स मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो स्पेशली देखो आपके लिए ग्रीन कलर लेकर आए। इसमें देखो जितने भी अपने कलर्स आते हैं ना, उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा प्रीमियम कलर इसका ये लगता है, पूरा मेट फिनिश में अपने को आता है। और इसके लुक्स तो देखो यार ऐसे ये रोड पर चलता है ना, तो इसकी तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन आता है। काफ़ी यूनिक लुक्स अपने को ये स्कूटर प्रोवाइड करता है। तो लुक्स के मामले तो गाइस आपके लिए अपना सच में बहुत ही बेस्ट अपना रहने वाला है। कि स्कूटर स्टार्ट करके आपको साउंड वगैरह सुनाते हैं। एक्सेस से तो देखो ये कई हद तक ज़्यादा अपना स्मूथ स्टार्ट होता है, नहीं तो एक्सेस में आवाज़ अपनी काफ़ी आती है। चलो लेट्स गो। और अभी गाइस मैं उज्जैन में राइड कर रहा हूँ, मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। जय श्री महाकाल भाइयों, बाकी आप कहाँ स्टूडियो देख रहे हो ये बात कमेंट करके आप जैसे बताना। अब देखो सबसे पहले स्कूटर की प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो अपन वेरिएंट चला रहे हैं ना, इसका अपना मिडिल वेरिएंट है, अपना बीटी वाला राइड करने के एडिशन वाला। तो इसकी एक्सटर्नल प्राइस है 99,000 रुपीज़ और ऑन रोड हमारे सिटी में कंप्लीट पड़ रहा है अपना 1,23,000 रुपये के आसपास। बाकी आपको और भी कुछ इंक्वायरी नहीं हो तो आप नयनतारा सुजुकी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गाइस आप डलवा लेते हैं स्कूटर में थोड़ा पेट्रोल। हाँ सर गाइस हम लेते हैं यू टर्न और आपको पिकअप बताते हैं। वैसे तो मैं अपना विथ पिलियन अपना राइड कर रहा हूँ। पिकअप तो देखो इसका अपना बढ़िया है। वैसे भी आपको अपनी स्पीड शो नहीं हो रही होगी, मैं अपनी एकदम नई यूनिट अपनी लेकर आया हूँ। बाकी विथ पिलियन के साथ भी ना इसका इनिशियल पिकअप अच्छा है। अभी देखो 70-1 तो इसकी स्पीड अपनी चली गई होगी, मतलब देखो भागता तो अच्छा है। अगर आप देखो एक्सेस से कंपेयर करोगे तो थोड़ा इसका वेट टू पावर रेशो कम है, एक्सेस का और ज़्यादा अच्छा पिकअप है। बाकी इसकी भी अच्छी पावर डिलीवरी, आपको ऐसा वो नहीं लगेगा कि यार गाड़ी में पिकअप वगैरह नहीं है। ये देखो बढ़िया भागता है, कोई अपनी दिक्कत नहीं है। और इसकी सारी स्पेशल खास बातें तो आपको बताएंगे सही। बाकी उससे पहले आपको इसकी रिफाइनमेंट बता देते हैं। इतना स्मूथ चलता है ना स्कूटर, मतलब एक्सेस से कंपेरिजन भी मुझे ज़्यादा अपना स्मूथ लगता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्ट भी अपना एक्सेस से ज़्यादा स्मूथ होता है और चलने भी पर्सनली मुझे ज़्यादा स्मूथ लगता है। रिफाइनमेंट तो गाइस आपको सच में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की अपनी मिलने वाली है। ये तो कितना स्मूथ चलता है यार, मज़ा भी देखो स्कूटर को चलाने में एक अलग ही लेवल का आता है। उसके भी खास रीज़न आपको बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या, देखो ये स्कूटर एक अलग ही कैटेगरी से अपना बिलोंग करता है। ऐसा स्कूटर आपको कोई दूसरी कंपनी ऐसा प्रोवाइड नहीं करती है, सिर्फ अपनी सुजुकी करती है। और इसकी सबसे खास बात ये है इसमें ना सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा दे रखा है, बहुत ही कम्फर्टेबल, मतलब क्रूजर टाइप स्कूटर अपन इसको बोल सकते हैं। एक तो बढ़िया यहाँ पर पैर रख लो ना तो फिर तो चलाने में और बढ़िया फील आती है और ज़्यादा कम्फर्ट अपना इंक्रीज़ हो जाता है। और इससे आप अगर सिटी में भी कम्यूट करोगे ना तो आपके लिए बहुत अपनी कंफर्टेबल रहेगी। ये देखो मतलब देखो लड़कों के लिए भी ये स्कूटर अपना बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखो लुक्स में भी अपना अट्रैक्टिव लगता ही है और साथ ही आपको चलाने में फील भी बढ़िया आएगी। यार गाइस मैं तो आपको यही ओपिनियन दूंगा कि ये स्कूटर ना एक बार राइड करके देखना, आपको एक अलग ही वाइब प्रोवाइड करेगा, काफ़ी डिफरेंट फील ही अपने को देता है। और इंजन स्पेक्स की भी अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 8.58 bhp की पावर और 10 Nm का टॉर्क। और फिर अपना सुजुकी का इंजन है तो आपको काफ़ी रिफाइंड तो अपना मिलने वाला है और साथ में अपना रिलायबल भी रहेगा। आज भी आप देखोगे कि यार काफ़ी सारी पुरानी अपने को एक्सेस 125 एंड बर्गमैन देखने को मिलती है, तो लॉन्ग टर्म में भी ये गाड़ी अपने लिए बढ़िया तो हो ही जाती है। बाकी आपको इसकी सारी अपन ब्रेक वगैरह सस्पेंशन हम की अपन बात करेंगे। और यहाँ तो आ गया है खतरनाक अपना ऑफ रोडिंग पेज, तो यहाँ से तो अपन लेते हैं इधर। अच्छी गाड़ी कूदा के आपको सस्पेंशन भी इसके बताएँगे। यहाँ पर थोड़ी कूदाते हैं, ये देखो कोई दिक्कत नहीं आ। सस्पेंशन भी इसका काफ़ी सही है। आगे देखो आपको हैंडल बार के ऊपर तो ना के बराबर जग फील होंगे, और पीछे के ऐसे कुछ ज़्यादा हार्डर साइड स्टिफर साइड नहीं है अपने, जैसे अपन बीच में अपन बोल सकते हैं इससे कुछ ज़्यादा इसकी हार्डर साइड पीछे की भी सस्पेंशन है नहीं तो गाड़ी से उसकेगी नहीं। क्योंकि देखो एक्सेस में मैंने ये भी नोटिस करा है कि वो गाड़ी अगर अपन अकेले चलाते ना तो वो काफ़ी उचकती भी है एक्सेस 125, और बर्गमैन में ऐसा अपना सीन नहीं है। इसके मुझे थोड़ा कंफर्टेबल सस्पेंशन अपने लगते हैं। और साथ ही में देखो मैं एक्सेस से भी इसको कंपेयर करते जा रहा हूँ, क्योंकि मेन तो देखो अपने लिए लिस्ट में एक्सेस भी आ जाता है 125 सीरीज में। और बाकी दूसरी कंपनी से अपन कंपेयर करें तो देखो जुपिटर एक्टिवा 125 इनसे भी अपन कर सकते हैं, पर उन सब तो देखो ये अपना अलग ही चले जाता है लुक्स के मामले में भी, चलाने के फील के मामले में भी, और ये अपना स्कूटर एक अलग ही कैटेगरी पर चले जाता है। बाकी एक बार अपन इसके ब्रेक भी टेस्ट कर लेते हैं। आगे इसमें आपको डिस्क मिल जाती है और पीछे तो अपने को ड्रम ब्रेक से मिल जाते हैं। ब्रेक लगाऊँगा, ब्रेक पहले देखते हैं अपन इसके रियर ब्रेक की वाइट, रियर की तो ठीक है, और एक बार आगे की देखते हैं। आगे की भी बढ़िया यार, आगे तो देखो डिस्क में जाती कोई दिक्कत है नहीं, और ये दोनों एक साथ लगाएंगे बढ़िया गाड़ी अपनी कंट्रोल हो जाती है मस्त। तो कंट्रोलिंग भी इसमें अपनी बढ़िया है, हैंडलिंग तो मस्त सही सी, और गाड़ी अपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल भी जाती है। और देखो दिखने में तो अच्छा ऐसा हेवी हेवी सा लगता है, उसका वेट तो देखो 110 kg है, तो सिटी में कम्यूट करने के लिए आपके लिए ईजी रहेगा। और वन लड़के तो देखो मस्त चला ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, पर लड़कियों को भी देखो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी मोटी देखो पेट वगैरह तो बंद हो गई है, बाकी लड़कियाँ भी देखो इसको मस्त आराम से चला सकती है, कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ी और इसको अपन भगाते हैं, वैसे आपको टॉप स्पीड वगैरह तो इसमें दिखेगी नहीं। बाकी देखो मैंने जब इसकी पहली राइड वीडियो बनाई थी पहले तो मैं इसको अपना 90 तक तो ले गया था, मस्त चलता है और स्मूथ, कोई अपनी दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस तो देखो स्कूटर को चलाने में अपना अच्छा खासा आ जाता है, और एक अलग वाइब तो आपको प्रोवाइड करते ही है। और आज देखो मौसम कितना प्यारा है तो मस्त मज़ा आ रहा है इससे राइड करने में। तो देखो ऐसा भाई कि इससे बस लंबे लंबे टूर मारो, ले लद्दाख भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो कहीं भी चल जाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब कुछ अपना सही दे रखा है। तो अपन इससे लॉन्ग ट्रिप मारे तो एक नंबर अपने लिए रही सही। और स्कूटर तो वैसे भी देखो सब डेली कम्यूट के लिए लेते हैं, पर इससे आप बढ़िया लॉन्ग राइड्स भी अपनी मार सकते हो। और स्कूटर कोई लेता है तो अपने लिए मेन चीज़ ये भी हो जाती है कि यार अपने को स्पेस भी अच्छी मिलना चाहिए। तो देखो लेग स्पेस तो भर भर के आपको यहाँ पर मिल जाता है, और हो सके तो यहाँ पर सिलेंडर भी रखा जाए, इतनी अपने को यहाँ पर स्पेस दे रखी है। और छोटी मोटी चीज़ें मुझे ये भी अच्छी लगी कि यहाँ पर ना थोड़ी स्पेस और दे रखी है। देखो यहाँ पर अपनी बोतल वगैरह तो रखा ही जाए, और यहाँ पर भी एक अपने को बॉक्स टाइप दे रखा है, और इसके अंदर अपना वो USB पोर्ट भी दे रखा है, तो मोबाइल वगैरह भी अपन चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि यार देखो मेरे हिसाब से तो ये जगह भी बहुत मैटर कर जाती है कई बार, क्योंकि अपन छोटा मोटा भी सामान लें तो यहाँ पर रखने की आदत रहती है काफ़ी लोगों को। बाकी एक्टिवा मैंने इनमें तो अपने को नहीं मिलता है यहाँ पर आगे, तो ये भी सही है। बाकी हो करा तो आपको यहाँ पर अपना सब अपना दे रखा है। इस साइड में आपको इसको बताऊँ तो देखो 780 में वैसे तो ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा लड़कियों को लग सकती है, बाकी अपने लिए तो कंफर्टेबल रहेगी। और मेरी हाइट तो 5'9" है, तो मेरे लिए तो एकदम अपनी कंफर्टेबल है। थोड़ा गाइस और अपन इसको भगाते हैं और आपको थोड़ी स्टेबिलिटी वगैरह बताते हैं। वैसे तो देखो इसमें पीछे अपने को 10 इंच के टायर आते हैं, उसके टॉप मॉडल में अपने को 12 इंच के टायर आ जाते हैं। एकदम 50-60 के जाने के बाद ना ये थोड़ा और अच्छा पिकअप अपना लेता है। बाकी स्टेबिलिटी वगैरह तो देखो बढ़िया है, कोई डाउट है नहीं, जैसे तो ग्रिप वगैरह अपनी ठीक ठाक ही है। लास्ट में अपन फीचर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जितने भी मेन फीचर्स है वो तो सारे आपको आ ही जाएंगे, और ये अपना BT ओरिएंट है तो आपको इसमें सारे कनेक्टेड फीचर्स अपने मिल जाते हैं। डिजिटल आपको इसमें अपना मीटर मिल जाता है, इसमें आपको अपना स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, और आपको ट्रिप AB वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी, ये सब तो आपको इसमें अपना शो कर ही देगा। और बाकी आपको इसमें अपना ये क्या बोलते हैं USB पोर्ट वगैरह भी आ जाता है। तो ये सारे आपको मेन फीचर्स आ जाते हैं। LED आपको इसमें लाइट्स मिल जाती है, तो लुक के मामले में भी अच्छी मिलती है, और थ्रो भी आपको अच्छा लगेगा। उसमें जो वाइजर आता है ना ये भी काफ़ी कूल लगता है। और यहाँ पर आप पूरा देखोगे ना तो स्कूटर दिखने में तो आपको काफ़ी अपना प्रीमियम लगेगा। इसमें जितने भी अपने बटन्स वगैरह दे रखे हैं, और जो फिट एंड फिनिश है ना वो काफ़ी अच्छी है, तो ऑल आपको स्कूटर प्रीमियम फील तो दे ही देगा। और स्पेशली इसका जो कलर है ना वो काफ़ी अच्छा फील देता है। कलर तो आप बर्गमैन में कोई सा भी ले लो, सारे यार खूबसूरत लगते हैं। बाकी मुझे तो सबसे अच्छा अपना ग्रीन कलर लगता है। भाई अपनी सबसे मेन चीज़ अपन कैसे भूल गए यार, माइलेज। अब देखो मैंने एक्सेस का तो माइलेज टेस्ट भी मैंने करके रखा है, हाई स्पीड मैंने उसका माइलेज टेस्ट करा था। लगातार मैंने गाड़ी 85-90 पर चलाई थी, तो भी मतलब स्कूटर ने देखो अपना 51 का माइलेज दिया था। तो अपन देखो इससे थोड़ा सा कम मान सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा और हेवी स्कूटर है। तो आप यूँ मान के चलो कि अगर आप इसको सिटी में चलाओगे तो आपको 40 42 के आसपास तक अपना माइलेज दे सकता है। और हाईवरा प्याज से चलाओगे तो 46-47 तक का माइलेज अपने कोई दे सकता है। बाकी हो सका तो आपके लिए बर्गमैन की माइलेज टेस्ट की वीडियो भी अपन लेकर आएंगे। अब देखो अपन कंक्लूजन की तरफ जाते हैं कि यार ये स्कूटर में ऐसा क्या है कि अपन दूसरे स्कूटर छोड़ के ये ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको एकदम यूनिक लुक से अपना प्रोवाइड कर देता है। चलाने में जो आपको एक फील देगा ना वो आपको कोई सा दूसरा स्कूटर अपना नहीं दे पाएगा। काफ़ी यूनिक इसका सीटिंग पोस्चर रहता है, काफ़ी कंफर्टेबल आपके लिए रहेगा, फैमिली के हिसाब से भी अपना कंफर्टेबल रहेगा और पर्सनल यूज़ के लिए लोगे तो भी आपके लिए अपना बेस्ट रहेगा। अच्छा आपको माइलेज दे देगा, रिफाइंड एंड रिलायबल इंजन मिल जाएगा। तो और भाई अपने को और क्या चाहिए, ज़्यादा कुछ ऐसी कमियाँ तो मुझे इसमें लगती नहीं है। बस सुजुकी के मुझे एक्सेस में अपने सेल्फ की दिक्कत लगती है, बाकी तो मुझे ऐसी कुछ इनमें दिक्कत लगती नहीं है। ऐसा कुछ बड़ा नेगेटिव तो आप इसमें अपना निकाल नहीं सकते हो। तो बाकी सर्विस तो देखो हर सिटी में अलग अलग डिपेंड करती है कि आपकी डीलरशिप कैसी है। हमारे तो देखो डीलरशिप बढ़िया है तो हमको सर्विस रिलेटेड भी कुछ अपना इशू है नहीं। सारी मेन बातें अपन ने डिस्कस कर ली है। भाई इसमें मुझे एक ही नेगेटिव लगता है जो कि है ये। अब जैसा कि आप एक्सेस में भी देखोगे उसमें भी भले ही फ्यूल लाइट पीछे आती है और उसमें भी अपने को पकड़ के ऐसे खड़े रहना पड़ता है। बाकी आप जुपिटर 125 वगैरह देखोगे तो उसमें अपने को आगे जाती है और बहुत सारे स्कूटर में ऐसा आता है कि अपन यहाँ पर की फ्लिप करते हैं और वो ऐसे ओपन हो जाते हैं। तो अपने को बर्गमैन में वही पुरानी चीज़ आती है। तो ये मुझे थोड़ी लगती है कि अगर इसमें भी अपना पीछे देते हैं तो ज़्यादा अपना कन्वीनियंट रहेगा। बाकी बूट स्पेस भी इसमें थोड़ी सी अपने को कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूटर्स। अगर आप भी 125 सीरीज में कोई सा स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार भाई बर्गमैन भी आप चलाकर जरूर से देखना। सो वीडियो का इस यहीं पर अपन एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना भूलना भाई। सब्सक्राइब नहीं करो तो मजा से नहीं आएगा, इसलिए फटाफट चैनल का सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।